हम देखेंगे। बेनज़ीर भुट्टो को आज दहशतगर्दों ने हलाक कर दिया है। हमारे रिपोर्टर शहजाद ज़िया की रिपोर्ट के मुताबिक आज दिन के 11 बजे कयूमाबाद चौरंगी पर दहशतगर्दों ने फायरिंग करके 21 साल तालिबा बेनज़ीर भुट्टो को हलाक कर दिया है। फायरिंग में 3 और अफराद भी जख्मी हुए। जख्मियों को इलाज के लिए फौरी तौर पर अस्पताल पहुँचा दिया गया है। स्टार स्टूडेंट थी, उसके हर कोर्स में उसका एक था, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी। पूरा डिपार्टमेंट उसकी तारीफ करता है, चाहे किसी भी स्टूडेंट, किसी भी टीचर, किसी भी फैकल्टी मेंबर से पूछ रहे हैं। दिस इज द ग्रेटेस्ट लॉस आई थिंक। हाय, कहाँ थे तुम लोग क्लास के बाद? Nothing new यार, बस वो girl versus boy match चल रहा था और guess who won? Girl? Yes. Wow, that's great. अरे लड़कों का ना rescue लगा हुआ है यार, सुना है कोई suspend हुआ है? एक तो हमारी university के rules इतने strict हैं कि हर छोटी छोटी बात पे या तो fine या suspend। क्या कह रही हो? क्यों, तुम्हें नहीं पता? नहीं। अरे भाई, अगर आपकी absence 7 से exceed जाती है तो you are failed, और अगर आप class में 5 मिनट भी late हो जाते हो तो you are marked absent।
और अगर आपके पास आईडी कार्ड ना हो तो 500 रुपीस का फाइन। लेकिन अगर लड़कों की गार्ड से सलाम दुआ है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे आपके पास कार्ड हो या ना हो। ये तो लड़कियों के साथ ज्यादती है। ये तो कुछ भी नहीं है, इस यूनिवर्सिटी में तो छोटी छोटी बातों पर जो स्टूडेंट काउंसिल का हेड है वो अपनी पोजीशन का गलत फायदा उठाता है और वो जब चाहे जिसको भी सस्पेंड कर सकता है। ये तो पॉलिटिक्स है जो हमारी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं है। यार वैसे तो हमारी यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स ऑफिशियली अलाउड नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली सब करते हैं। देखा तुमने, बेनजीर ने मेरे एक बार में कहने पर अपना नकाब उतार दिया। इसका मतलब ये है कि मैं उसे कुछ भी करवा सकता हूँ। तुम अपने आप को कोई हीरो समझते हो क्या? तुम्हारे कहने पे वो कुछ भी कर लेगी। टी शर्ट दूसरी पहनने को है नहीं तुम्हारे पास, भरम है कि तुम्हारे खत्म ही नहीं होते। हेलो, क्या हो रहा है? मेरे आते सब चुप क्यों हो गए? मेरे बारे में बातें हो रही थी क्या? नहीं, नहीं। अच्छा हुआ तुम आ गई, वैसे भी तो हमें रेडियो शो का काम करना ही था ना। देखो मैंने ये पोस्टर डिजाइन किया रेडियो शो के लिए, कैसा है? अरे छोड़ो पोस्टर वगैरह, ये सब बनाने का क्या फायदा? मुझे तो नहीं लगता है कोई रेडियो शो होगा। क्यों, क्या हुआ? अरे यार स्पीकर्स ही नहीं रेंज हो पा रहे हैं। क्यों भाई? हमने फरीद शेख से बात की थी पर वो दे ही नहीं रहा है। किसी ने दोबारा जाके बात की? कोई फायदा नहीं, यहाँ पे कुछ होने वाला है क्या? हाँ रुक जाओ मैं जाके बात करती हूँ। ये कुछ ज्यादा ही ओवर स्मार्ट समझती है अपने आपको। हमने जाकर बात की थी ना उससे, कुछ भी नहीं हुआ। पता नहीं क्या समझती है अपने आपको। हेलो मैम। हेलो, टेल अस समथिंग अबाउट योर स्टूडेंट बेनजीर भुट्टो। इन माय करियर एज अ टीचर बेनजीर भुट्टो वाज अ वेरी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट एंड अ वेरी गुड ह्यूमन। उनमें बहुत इंसानियत थी और शी वुड फाइट फॉर एवरीबॉडीज राइट। वैलेंटाइन डे के रेडियो शो के बारे में बेनजीर का क्या किरदार था? वैलेंटाइन्स डे पे बेनजीर के बगैर तो शो हो ही नहीं सकता था। अगर स्टूडेंट काउंसिल के फरीद शेख ने स्पीकर्स देने से मना कर दिया था, और अगर बेनजीर शेख साहब से बात करने की हिम्मत ना रखती और मुझसे इसरार ना करती तो शायद मैं भी स्पीकर दिलवाने पर इतनी मेहनत। फरीद शेख ने फिर पोस्टर भी फाड़ दिए थे, आखिर वो इस शो के इतने खिलाफ क्यों थे? ये मैं नहीं कह सकती कि वो क्यों इस शो के इतने खिलाफ थे, लेकिन ये जरूर जानती हूँ कि वो इस शो को होने नहीं देना चाह रहे थे। सर ये बेनजीर भी जाएंगे, सर क्या हुआ है? सर ऐसा क्यों हुआ इसके साथ? हमें फरीद शेख के पास जाना चाहिए सर। सर आपने तो बेनजीर को पढ़ाया है, तो आप क्या बेनजीर के बारे में कहना चाहेंगे? बेनजीर के बारे में मैंने उसको नहीं पढ़ाया, उसने मुझे पढ़ाया। उसने मुझे बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। मुझे यकीन है कि बाकी सब लोगों ने भी उसके बारे में बहुत कुछ समझा है, बहुत कुछ उससे सीखा है और सीखने की जरूरत भी है। बेनजीर ने हमें करेज सिखाई, बेनजीर ने हमें कंपैशन सिखाया, उसने हमें अकल सिखाई, उसने दूसरों के लिए लड़ना सिखाया। मुझे आज तक याद है जब पहली दफा वो क्लास में आई थी, उसे थोड़ी देर हो